नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेम सोम प्लान पर। और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा ये एक तीन सेड हाउस प्लान आप जो यहाँ पर अभी देख रहे होंगे, इसका मैं पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आज इस वीडियो में इस प्लान को हम डिस्कस करेंगे। ये तीन सेट से हमने रूफिंग इसका तैयार किया हुआ है और ब्रिक वार के साथ हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं 3D व्यू पर। तो 3D व्यू में आप सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद प्लान और इसका इमेज वगैरह सब कुछ आपको मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे बारामदा पर हमने तीन कॉलम यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइड की ओर कॉलम पोजीशन आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, कुछ इस तरीके से रहेगा कॉलम, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी। और अभी यहाँ पर मैं जो वॉल है वो क्रिएट कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे हम वॉल भी अभी यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। तो वॉल क्रिएट करने के बाद अभी यहाँ पर जो फ्रंट साइड की ओर बारामदा आएगा, बारामदा का जो वॉल आएगा हाफ करके हमने रखा हुआ है, कुछ तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम सब कुछ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से डोर और विंडो हम ऐड कर रहे हैं अभी। अभी मैं यहाँ पर लिंटेल लेवल जो आएगा वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से रहेगा बारामदा का लुक फ्रंट साइड का। और अभी इसके लिंटेल के ऊपर भी हम क्रिएट करेंगे, उससे पहले हमने अभी यहाँ पर जो यहाँ पर हमने ग्रिल का यूज किया हुआ है बारामदा पर प्राइवेसी के लिए। आप चाहे तो ओपन खुला रखना चाहते हैं तो खुला भी रख पाएंगे, फिलहाल हमने यहाँ पर ग्रिल से डिजाइन किया हुआ है। अभी यहाँ पर एंट्री जो गेट है वो हम ऐड कर दिए हैं अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रंट साइड की ओर। अभी मैं आपको यहाँ पर ऊपर का देख रहे होंगे कुछ तरीके से वॉल वगैरह सब कुछ क्रिएट कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी हम यहाँ पर जो स्टील का हमने आयरन का जो हमने टीन सेट के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था वो ऐड कर रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे। ये बारामदा का जो टीन सेट आएगा उसके लिए भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, अभी टीन सेट हम ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस साइड का जो टीन सेट है कुछ तरीके से आप देख रहे होंगे, कुछ तरीके से आएगा बारामदा का और इस साइड का कुछ तरीके से आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो प्लान है वो बनके अभी तैयार हो चुका है, प्लान भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको इसका डिजाइन यानी कि लुक दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये फ्रंट साइड का लुक जो है दोस्तों कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो साइड व्यू है राइट साइड का व्यू आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से आएगा, राइट साइड का व्यू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी मैं आपको और एक इमेज शेयर कर देता हूँ, ये आपका बैक साइड का और लेफ्ट साइड का जो व्यू है कॉर्नर से हमने लिया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। और ये आपका लेफ्ट साइड का प्रॉपर व्यू आएगा कुछ तरीके से, आप यहाँ पर देख रहे होंगे टीन सेट से इसका रूफिंग हमने तैयार किया हुआ है। और विंडो का डिजाइन आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से, टू शटर विंडो हमने यूज किया हुआ है। और अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रंट साइड की और जो बारामदा है वहां पर हमने ग्रिल का यूज किस तरीके से किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से डिजाइन, ग्रिल का डिजाइन आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से। अभी मैं आपको इसका जो रूफिंग है यानी कि टीन सेट का जो रूफिंग है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी टीन सेट का रूफिंग कुछ तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी। तो अभी मैं इसका और एक यहाँ पर इमेज दिखा रहा हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी हम यहाँ पर और प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने जो प्लान तैयार किया हुआ है वो 22 फीट बाय 35 फीट के अंदर बनाया हुआ है। और इसका रूम वगैरह जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे आप कहीं से भी आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेप रहेगा और ये रहेगा मेन आपका एंट्री गेट। इसी गेट से होते हुए एंट्री करेंगे दोस्तों तो आप सबसे पहले ये बारामदा पर पहुंचेंगे। 22 फीट बाय 6 फीट के अंदर आएगा ये बारामदा। और बारामदा से यहाँ से एक डोर देखने को मिलेगा जिससे जाएंगे दोस्तों तो ये आपको एक 11 फीट बाय 17 फीट के अंदर डाइनिंग कम हॉल रूम देखने को मिलेगा। और इसे डाइनिंग कम हॉल रूम से इस साइड की ओर यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा जिससे जाएंगे दोस्तों तो ये 11 फीट बाय 12 फीट के अंदर रहेगा एक फर्स्ट बेडरूम। उसके बाद बेडरूम के ठीक पीछे की ओर यहाँ पर डाइनिंग कम हॉल एरिया से यहाँ से एक डोर फ्रेम और देखने को मिलेगा जिससे जाएंगे दोस्तों तो ये 11 फीट बाय 5 फीट के अंदर रहेगा आपका कॉमन एक टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद बैक साइड की ओर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमने ओपन रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से हमने ओपन रखा हुआ है। आप यहाँ से एंट्री करके जाएंगे तो ये ओपन स्पेस हमने किचन के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर अपना किचन और डाइनिंग भी ऐड करना चाहे तो कर पाएंगे। तो इसका भी साइज से हमें 11 फीट बाय 12 फीट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ से इस साइड की ओर से और एक डोर हमने ऐड कर दिया है जिससे एंट्री करके जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर पहुंचेंगे, ये रहेगा आपका दूसरा बेडरूम जिसका साइज आएगा दोस्तों 11 फीट बाय 12 फीट के अंदर। तो दोस्तों यही था आज का हमारा हाउस प्लान, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपसे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।